गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। उसमें हम रसायन विज्ञान के पी ब्लॉक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कैसे होता है, और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की डीकन विधि द्वारा जो है या HCl से क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 18 में, 20 में, 22 में। तो ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, इस विधि में क्या होता है? इस विधि में HCl का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा किया जाता है। तो बच्चों, हम HCl और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इस उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। और इस कक्ष में क्या होता है? इस कक्ष में ये आप देख रहे होंगे, ये झावा पत्थर है, इसको उत्प्रेरक CuCl2 से भिगा कर रखते हैं। और इस उत्प्रेरक कक्ष का जो टेम्परेचर होता है वो बच्चों 400 से 450 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हम इस उत्प्रेरक कक्ष में HCl और ऑक्सीजन को भेजते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये बच्चों कन्वर्ट हो जाता है क्लोरीन में। तो जब हम इसमें HCl और ऑक्सीजन भेजते हैं और इसमें जो जावा पत्थर होता है उसको उत्प्रेरक CuCl2 में भिगा कर रखते हैं, ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है इस उत्प्रेरक कक्ष में। तो मान लो इसमें HCl आई बच्चों बैलेंस करने के लिए मैंने 4 रख दिया है। इसमें CuCl2 की प्रेजेंस में जब पास करते हैं तो इसमें क्लोरीन गैस बनती है और वाटर रिलीज होता है। तो अब बच्चों, हमें इसमें क्लोरीन गैस मिल गई है। अब इस क्लोरीन गैस को हम कहाँ भेजते हैं? इस क्लोरीन गैस को हम शीतलक कक्ष में, ये कूलर का मतलब है, ये शीतलक कक्ष है, इसमें भेजते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, इस क्लोरीन गैस जो गर्म है इसको ठंडा करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई गर्म चीज है और हम उसे अचानक एकाएक ठंडा करते हैं तो उसमें भाप बन जाती है। ये भाप किस तरीके का काम करती है? ये भाप एक अशुद्धि की तरीके से काम करती है। तो ये क्लोरीन गैस हम शीतलक कक्ष में भेजकर इसको ठंडा कर देते हैं और इसमें अशुद्धियों के रूप में बच्चों कुछ भाप बन जाती है। अब हम इसको क्या करते हैं? अब इस अशुद्ध क्लोरीन गैस को हम किस में भेजते हैं? धावन कक्ष का मतलब ही है दूध धोने का कक्ष। तो हम इसको धावन कक्ष में भेजते हैं, इसमें जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए। तो इस कक्ष में क्या होता है? इस कक्ष में बच्चों जो वाटर होता है वो ये क्या रखे हुए हैं? ये क्वार्ट्ज पत्थर है, ये क्वार्ट्ज पत्थर है। तो पानी ऊपर से गिराते हैं तो ये पानी जो है क्वार्ट्ज पत्थर से होकर बूंद बूंद के रूप में जो है नीचे इसके टपकता रहता है। ये आप देख रहे हैं इसमें पानी आ रहा है। तो ये पानी जो है इसमें नीचे टपकता रहता है। इधर से हम ये क्लोरीन गैस इसमें भेज देते हैं तो ये क्लोरीन गैस क्या हो जाती है? इसमें क्लोरीन गैस धुल जाती है। चूंकि हमने क्लोरीन गैस को धुल दिया है बच्चों, तो जब भी हम कोई चीज धुलते हैं तो उसमें क्या आ जाती है? उसमें नमी आ जाती है। तो बच्चों, अब इस क्लोरीन गैस में क्या आ गई है? नमी आ गई है। अब हम क्या करेंगे? और अशुद्धियों को हम इधर से बाहर निकाल देते हैं। चूंकि अब ये क्लोरीन गैस नम हो चुकी है तो हम अब इसको किधर भेजते हैं बच्चों? अब हम इसको शुष्कन कक्ष में भेजते हैं। शुष्कन का मतलब है ड्राई करना, सुखाने के लिए हम उसको शुष्कन कक्ष में भेजते हैं। तो यहाँ पर रखा होता है बच्चों कंसंट्रेट या सांद्र H2SO4। ये किस तरीके का काम करता है? ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से वर्क करता है और नमी को क्या कर लेता है? नमी को सोख लेता है, ये नमी को सोख लेता है। तो जब हम इसमें नम क्लोरीन गैस पास करते हैं,
कक्ष में और शुष्कन कक्ष में ऊपर से कंसंट्रेट H2SO4 को गिराते हैं तो ये क्वार्ट्ज पत्थर से होकर बूंदों के रूप में इसके ऊपर गिरता है और जल से अभिक्रिया करके क्या करता है, पानी को अलग कर लेता है। जो क्लोरीन गैस में प्रेजेंट होता है पानी, उसको अलग कर लेता है और हमें जो क्लोरीन गैस होती है वो प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों चलिए इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं। तो बच्चों अभी हमने बताया हम क्या करते हैं, सबसे पहले HCl गैस और ऑक्सीजन के मिश्रण को हम उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। और उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, ये जो पत्थर रखे हुए हैं ये जावा के पत्थर हैं, इसको Cu2Cl2 में भिगो कर रखते हैं। और इस कक्ष का टेम्परेचर हमने कितना बताया, 450 से 400 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर ये HCl ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है बच्चों, गर्म क्लोरीन गैस बनाती है। अब ये क्लोरीन गैस गर्म है, इसको ठंडा करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम कहाँ भेजेंगे, शीतलक कक्ष में भेजेंगे। तो बच्चों जब हम इसको शीतलक कक्ष में भेजते हैं तो क्या होता है, ये क्लोरीन वहां पे ठंडी हो जाती है। अब क्लोरीन ठंडी हो गई है बच्चों, जब हम कोई चीज गर्म है और उसको अचानक ठंडा करते हैं तो उसमें भाप बन जाती है। ये भाप उसमें अशुद्धियों की तरीके से काम करती है और उसमें कुछ और भी अशुद्धियां होती हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इस अशुद्ध क्लोरीन गैस को हम कहाँ भेजते हैं, धावन कक्ष मतलब धोने का कक्ष, वहां से गुजारते हैं। तो उस कक्ष में क्या होता है, जल की बूंदों के रूप में जो है क्वार्ट्ज से होकर जल गिरता रहता है और ये क्लोरीन गैस में जो मिश्रित अशुद्धियां है उसको अलग कर देता है। अब जो बच्चों हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हुई, क्योंकि हम क्लोरीन गैस को जल से धुल रहे थे तो हमें नम क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सुखाने के लिए इसको शुष्कन कक्ष में भेजेंगे। वहां पर क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है सांद्र, ये किसके तरीके से काम करता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तरीके से काम करता है जो पानी की नमी को सोख लेता है। तो ये क्वार्ट से होते हुए बूंदों के रूप में नीचे गिरता रहता है और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या करता है, क्लोरीन गैस में जो नमी होती है ये सल्फ्यूरिक अम्ल उस नमी को हटा देता है, उससे रिएक्शन कर लेता है वाटर से और हमें शुद्ध क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने देखा डिकन विधि से कैसे क्लोरीन का निर्माण होता है। अब इसमें एक अभिक्रिया भी पूछी गई है, अमोनिया से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस क्या बनाता है। तो बच्चों जब ये क्लोरीन गैस अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो बनाता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl बनाता है। अब हम बच्चों देख लेते हैं क्लोरीन के उपयोग क्या है। क्लोरीन का जो उपयोग होता है हम उसको व्यंजक चूर्ण, क्लोरोफार्म आदि जैसे कई यौगिक बनाने के लिए करते हैं। और क्लोरीन गैस का उपयोग बच्चों फॉस्फीन गैस, मस्टर्ड गैस जैसी विषैली गैसों को बनाने के लिए किया जाता है। और जो बरसात के दिनों में पानी है उसमें जीवाणु है, उस जीवाणु को पानी से हटाने के लिए हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है उसको देखा है। और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो बच्चों यदि आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।